दोस्तों, मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध पर्व मुहर्रम के बारे में सभी लोग जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि ये कोई त्यौहार नहीं होता और ना ही कोई खुशी का दिन होता है। मुहर्रम के महीने को मातम का महीना भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुहर्रम इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद के नवासे यानी कि उनके नाती थे। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है जिसमें 10 दिन शिया मुस्लिम इमाम हुसैन की याद में शौक मनाते हैं। मुस्लिम लोग शक्ति और युक्ति के आधार पर खलीफा चुनते थे जो उनकी रक्षा कर पाए। पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। जिन लोगों ने हज़रत अली को अपना इमाम चुना वो शिया बन गए यानी कि शियाने अली, मतलब हज़रत अली के समर्थक। विपरीत सुन्नी मुसलमान चारों खलीफाओं के चुनाव को सही मानते थे। इमाम हुसैन शहीद क्यों हुए? पैगंबर मोहम्मद के दुनिया से रुखसत होने के बाद करीब 50 वर्ष बाद मुस्लिम लोगों के मन में बेहद अत्याचार पनप गया था। दरअसल मक्का से दूर स्थित सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था और यजीद के काम करने के तरीके में तानाशाही झलकती थी। इस्लाम धर्म में तानाशाही या बादशाह जैसे कामों के लिए कोई जगह नहीं है। ज़मीन से आसमान तक सिर्फ अल्लाह को ही बादशाह माना जाता था। पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन जो उस वक्त मक्का में थे, उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। खलीफा बनने के बाद यजीद ने गुस्से में आकर मदीना के राजपाल को पत्र भेजा कि वो इमाम हुसैन को यजीद को खलीफा मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए राज़ी करे, और अगर हुसैन नहीं माने तो उनका सर धड़ से अलग करने के आदेश दिया। राज्यपाल ने हुसैन को यजीद का फरमान सुनाया। फरमान सुनकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मैं एक बुद्धिहीन भ्रष्टाचारी और अल्लाह के रसूल को ना मानने वाले यजीद का हुक्म नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन अपनी हज यात्रा पूरी करने मक्का शरीफ पहुँचे। वहाँ पर भी यजीद ने इमाम हुसैन को मारने अपने लोगों को भेज दिया। इस बात का इमाम हुसैन को पता चल गया था और वो मक्का जैसी पवित्र जगह पर ऐसा कुछ होने नहीं देना चाहते थे क्योंकि मक्का में हत्या करना हराम है। ये इस्लाम का एक सिद्धांत है। इस बात को ध्यान रखते हुए हुसैन ने उम्रा अदान की और इसके बाद परिवार के साथ इराक जाने की तैयारी की। मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम अपने परिवार और साथियों के साथ करबला पहुँचे, पर वहाँ पर भी यजीद की फौज ने हुसैन के काफिलों को घेर लिया। पर मुहर्रम के 9 तारीख तक इमाम हुसैन यजीदियों को इस्लाम के सिद्धांतों की शिक्षा देते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं समझी। सिपाहियों के ना मानने पर हुसैन साहब ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सके। इजाज़त मिलने पर इमाम हुसैन और उनके साथी सारी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। इस रात को आसूर की रात कहा जाता है। मुहर्रम के 10 तारीख को यजीद के सेनापति उम बिल साद ने एक तीर छोड़ा और इसके बाद जंग शुरू हो गई। हुसैन साहब के काफिले में 72 अनुयायी थे जिनमें 71 मारे गए और अब सिर्फ इमाम हुसैन ही जिंदा रह गए थे। तभी अचानक उन्होंने अपने 6 माह के बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी जो प्यास से रो रहा था। इमाम हुसैन मैदान में जाकर यजीदियों को पानी देने के लिए कहते रहे, लेकिन यजीदियों की तरफ से एक तीर चलाया गया और वो तीर सीधा हुसैन साहब के बच्चे को जाकर लगा और उस बच्चे ने अपने पिता के गोद में ही तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद हुसैन साहब का बेहद बुरा हाल हो गया। के बाद हुसैन साहब नमाज अदा कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें भी यजीदियों ने मार दिया और इसी कारण मुहर्रम के दिन मुस्लिम लोग जंजीरों से पीट पीट कर सर पर चाकू खंजर मारकर लहूलुहान होकर शोक में डूब जाते हैं और इमाम हुसैन को याद करते हैं। अब जानते हैं ताज़िया क्या है। ताज़िया शिया मुस्लिमों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला तरीका है जिससे वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। मुहर्रम के 10 दिन तक इसे बस लकड़ी के सहायता से इसे सजाया जाता है और 11वें दिन इसके साथ नगर में भ्रमण किया जाता है। ताज़िया को इमाम हुसैन का प्रतीक माना जाता है और अंतिम दिन इसे दफना दिया जाता है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।